किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि द मॉर्निंग शोज द डे. किसी दिन को अगर देखना है तो आप उसके प्रभात को देखो. आपका दिन कैसा जाएगा वो आपका प्रभात बताता है, आपकी सुबह बताती है. अब आप पूछोगे, आप क्या कहना चाह रहे महाराज जी, हमें समझ में नहीं आता मेरे कहने का क्या मतलब है. अब आप समझिए, सुबह उठे हैं आप, ऑब्वियसली उठे ही होंगे. उठने के बाद आपने सबसे पहले क्या किया, मैं बताता हूं. सबसे पहले उठ करके आपने नींद में एकदम आपकी आंखें खुल नहीं रही है और एकदम उस नहीं खुलती हुई आंखों से भी आपने अपने हाथ को सबसे पहले इर्द गिर्द घुमाया और तकिए के आसपास चद्दर के किनारे घुमा करके आपने क्या, अपने फोन को ढूंढ रहे हैं आप. सबसे पहला काम, मेरी उम्र के लोग, मेरे से बड़े उम्र के लोग भी आजकल ये काम को करने लग गए हैं. सबकी बात तो मैं नहीं कर रहा और सब इस बात को ये भी नहीं ले कि मैं उनके लिए कह रहा हूं, लेकिन जो ऐसा कर रहे हैं, सुबह उठते हैं नींद खुली नहीं है, आंख एकदम इतनी सी है सज्जनों, लेकिन इतनी सी आंखों में भी वो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, आज अपने हाथों से अपने हाथों को यहां यहां घुमा करके फोन खोजने की चाह रख रहे हैं, फोन खोज रहे हैं. सबसे पहली दृष्टि इन आंखों को सुबह पहले फोन पे जा रही है और उस फोन को भी हम नींद में ऐसे ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं. अब जरूरी तो नहीं है कि हर समाचार अच्छा ही मिले, मिलता होगा, बहुत से अच्छे समाचार मिलते होंगे. अभी टोक्यो 2020 के ओलंपिक्स में हमारे श्री नीरज चोपड़ा जी ने, बजरंग और क्या बोलते हैं मीराबाई चानू ने और इतने हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने इतना नाम कमाया है, जरूर अच्छे अच्छे समाचार मिल ही रहे होंगे. लेकिन साथ में ऐसा तो नहीं है कि बुरे नहीं मिलते होंगे. मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा कहना ये नहीं है कि आप फोन मत देखो, जरूर देखो सज्जनों, जरूर देखो. लेकिन कब देख रहे हैं हम, सुबह उठते हैं सबसे पहले हमारी दृष्टि फोन पे जा रही है. ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होने से ही चीजें बिगड़ रही है. अब वो समाचार अगर कोई आपको खराब मिल गया बाई चांस, तो आप सुबह पहले यही सुनना था क्या, ऐसा मन में आएगा ही. और नेचुरल है, स्वाभाविक है, ये आता ही है. तो देखिए, द मॉर्निंग शोज द डे, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन कहते ही हैं. आपकी पहली चाल बता देगी कि आप मंजिल में किस तरीके से पहुंचने वाले हैं. अगर आपकी शुरुआत ही उदासी से हुई है, अगर आपकी शुरुआत ही ऐसे हुई है कि क्या सुन लिया आज हमने, तो फिर आगे की चीजें अच्छी होगी ये मैं आपको क्या बताऊं सज्जनों, आप खुद ही समझदार हैं. तो देखिए, मेरे मित्रों से, मेरे मेरे रिश्तेदारों से, मेरे आप सभी सज्जन भक्तों से मेरा निवेदन है कि सुबह पहले उठ करके आप फोन को देखने से बेहतर है उस सूर्य नारायण के उस प्रताप को जाकर के देखो. वो नहीं देख सकते, मन नहीं करता, दूर है, अपनी माँ को देखो, अपने पिता का जाकर के आप उन्हें देखिए. जरूरी नहीं है कि वो आपके बाद में उठेंगे. मुझे उम्मीद है कि माता पिता सबसे पहले उठते हैं घर में. हो सकता है घर में कुछ बच्चे भक्त हों जो पहले उठ जाएं उनसे, लेकिन वो अगर सो रहे हैं तो भी जाकर के देखो, माँ बाप है. और इतना नहीं हो सकता तो आपके घर में मंदिर है, जाकर के मंदिर में ठाकुर जी को प्रणाम करो सबसे पहले. लेकिन फोन को देखना नहीं, एकदम गलत चीज है. अब आप बोलोगे कि इसमें क्या हमारे जीवन को बनाने की अच्छी बात है? बोले है, आप एक दिन अपने फोन को मत देखिए और उसी दिन से अभ्यास डालिए कि हम क्या तो अपनी माँ को देखेंगे जाकर के, क्योंकि माँ को देखने के बाद व्यक्ति मुस्कुराता ही है. माँ को देखने के बाद कोई कभी उदास नहीं रह सकता. पिता से तो फिर भी लोग थोड़ा थोड़ा डरते हैं, जाने में सकुचाते हैं. सकुचाना तो तब भी नहीं चाहिए, लेकिन अपनी माँ को देखिए, अपने पिता को देखो जाकर, सूर्य नारायण के उस प्रताप का आप दर्शन करें. बंधुओं, आपकी बुद्धि तीव्र होगी कि नहीं होगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन आपके दिन की शुरुआत एक अद्भुत रूप से होगी. उसमें एक बदलाव आएगा और धीरे धीरे बदलाव आएगा. ऐसा नहीं कि एक मिनट में ही आप सीधा महान हो जाएंगे, लेकिन ये छोटी छोटी शुरुआत, ये छोटी छोटी चीजें ही व्यक्ति को आगे जाकर के अद्भुत बनाती है.
कल्याणकारी बनाती है। मेरी इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। अगले दिन जब आप कभी कल सुबह उठते हैं, तो कल सुबह उठ करके ऐसा नहीं कि आपके आपके हाथ जो है सीधा फोन को ही खोजें। सुबह उठिए आप, उठने के बाद सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, भगवान को देखें, अपने माता पिता को देखें, सूर्य नारायण की साक्षी का ग्रहण करें। उसके बाद मुंह हाथ धो करके आपको अपने फोन को स्क्रॉल करना है, न्यूज देखना है, नोटिफिकेशंस देखने हैं, जरूर देखिए। लेकिन हर चीज का एक समय होता है। स्नान करते हुए इंसान नाश्ता नहीं करता और नाश्ता करते समय इंसान नहाता नहीं है। इस बात को ध्यान में रखें और ठाकुर जी के नाम का सदैव स्मरण करें। जय श्री कृष्णा।